हंगर की प्रॉब्लम होती है, जो हमारा डाइजेशन सिस्टम की प्रॉब्लम होती है उसको भी मेंटेन कर सकता है, होमोग्लोबिन के लेवल को अच्छा करता है, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनकी खून की कमी को, बाकी जो भी कमियां आती है उनके शरीर में, आयरन जो भी होती है मतलब दिक्कतें उससे रिलेटेड, ये उन कमियों को भी दूर करता है। ठीक है, ये बहुत मूंग दाल और अंकुरित चने के फायदे बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ अंकुरित मूंग दाल के फायदे। ये बहुत रिच सोर्स है न्यूट्रिएंट्स का, इसमें ये बहुत रिच सोर्स है न्यूट्रिएंट्स का। इसमें विटामिन्स पाए जाते हैं, पोटेशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम फॉस्फोरस पाया जाता है। ठीक है, ये एक प्रोटीन बूस्टर के रूप में भी काम करता है और इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर भी पाया जाता है। ठीक है, ये बॉडी बिल्डिंग के ये बोन्स को भी हमारा स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, और ये बहुत हेल्दी होता है, जो हमें हंगर की प्रॉब्लम होती है, जो हमारा डाइजेशन सिस्टम की प्रॉब्लम होती है उसको भी मेंटेन कर सकता है, होमोग्लोबिन के लेवल को अच्छा करता है, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनकी खून की कमी को, बाकी जो भी कमियां आती है उनके शरीर में, आयरन जो भी होती है मतलब दिक्कतें उससे रिलेटेड, ये उन कमियों को भी दूर करता है। ठीक है, ये बहुत रिच सोर्स है फाइबर का और ये मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम को भी दूर करता है। थायराइड पेशेंट्स के लिए भी डॉक्टर्स को रिकमेंड करते हैं, पोटेशियम मैग्नीशियम का बहुत भरपूर सोर्स है। ठीक है, और जो ये हमारा स्प्राउटेड चना है ये बहुत गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये बादाम से भी ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन और कैल्शियम पाया जाता है, ये बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इससे हमारी स्किन और हेयर काफ़ी चमकदार होते हैं और ये स्किन में ग्लो लाता है। ठीक है, और इसे माना जाता है ये बहुत ज़्यादा हेल्दियर सोर्स है, बादाम से भी ज़्यादा ताकतवर है। इसमें भी प्रोटीन कैल्शियम कोई भी चीज़ अगर हम इसको स्प्राउटेड कर दें तो वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाती है, बजाय इसको हम सिंपल फॉर्म में खाएं, और अगर हम इसको रॉ फॉर्म में खाएं ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। ठीक है, इसलिए अगर आप इसको अपनी रूटीन डाइट में शामिल कर लें, ये बहुत हेल्दी फूड है। और जो हम जब सारी दालें खाते हैं या उबली हुई खाते हैं वो उतनी ज़्यादा न्यूट्रिशियस या बेनिफिशियल नहीं होती हैं जितनी ज़्यादा ये मूंग दाल, स्प्राउटेड मूंग दाल और चना आपका होगा। ठीक है, थैंक यू।